विकास जी करें, यति ने बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग किया है तुलसीदास जी के लिए डैश के चैनल पर, क्या यति? अब मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा और उनका संबंध विच्छेद यही तो हनुमान जी के हनुमान चालीसा को लेकर ही हुआ, और मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो भी मेरा सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हैं, और मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि एक जिसको मंडल तुलसीदास को गाली देता है तो वो अपने आप को क्या कहता है, जातिवादी, दलितवादी, समथिंगवादी। उसके बाद आपको मौर्या जो है, जो भाजपा में भी नेता रहा फिर सपा में रहा, वो भी रामचरितमानस को गाली देता है। बिहार का शिक्षा मंत्री, वो भी तुलसीदास और रामचरितमानस को गाली देता है, और ये लोग भी तुलसीदास और रामचरितमानस को गाली देते हैं। इसी से साबित होता है कि तुलसी ने समाज को कितना सुदृढ़ बनाया, और इन सबके गाली देने के कारण फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, रामचरितमानस की बिक्री और बढ़ गई। मध्यकाल में जो ब्रिटिशर्स इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि एक लिटरेचर, एक साहित्य, एक धर्म ग्रंथ नहीं होता, एक व्यक्ति नहीं होता, तो हम हिंदुओं को क्रिश्चियन बना चुके होते, और वो ग्रंथ कौन सा है, रामचरितमानस, और वो व्यक्ति कौन है, तुलसीदास, क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में सब तक गायन ये शैली में नहीं पहुंच सकता था, महाभारत तो नहीं पहुंच सकता, उपनिषद के तो गूढ़ ज्ञान है, वेद तो आप आज के समझ में आपको समझ ही नहीं आएगा, तो हमसे तो साहित्य छीने जा रहे थे और संस्कृत हमसे भुलवाए गए थे। तो एक रामचरितमानस ने ऐसा घनघोर संग्राम किया कि मध्यकाल में अकबर के समय भी इस रामचरितमानस का गायन करने वाले को वाल्मीकि कह दिया गया। जो वाल्मीकि आपको अज्ञाति बताई जाती है वो रामायण का गायन करते थे, और तुलसी ने जगह जगह रामलीला रामचरितमानस पे शुरू करा दी। उन्होंने कैसे प्रचार किया, देखो बनारस से शुरू करके दिल्ली तक रामलीला शुरू करा दी, और रामचरितमानस की चौपाई घर घर गाई जाने लगी। तो वो जो एक होपलेस स्थिति आ गई गया था, होपलेस स्थिति, आशा विहीन निराशा की स्थिति, जिसमें पूरा एशिया का शासक उस समय था एक तरह से अकबर, और उस समय स्थिति के सब मुगल ही मुगल, सब सब ने सरेंडर कर दिया, एक सिर्फ राणा प्रताप थे बचे हुए, बाकी सबका सरेंडर हो रहा था, साउथ थोड़ा बचा हुआ था। वैसे में राम धुन ने हिंदुओं में आशा जगाए रखा कि राम आएंगे और राक्षसों का वध करेंगे, और स्वयं के अंदर का जो आशा है और हमारा जो मनोबल है यही युद्ध जिताता है, यही परमात्मा की देन है। तो परमात्मा के प्रति जो आशा थी समाज में और वो जो मनोबल बिल्ड हुआ, उसने पूरे मध्यकाल को मुगल काल को पूरा ओवरलैप कर दिया, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आदि आए और उनके साथ भी यही समस्या हुई, वो कन्वर्ट करने जाते लोग रामचरितमानस की, तो ब्रिटिशर्स ने खुल के लिखा है कि एक रामचरितमानस हमारे रास्ते में खड़ा हो गया, और जब चले गए तो ब्रिटिश और अमेरिका के जो एजेंट थे उन्होंने तुलसी और रामचरितमानस और मंदिर और इन सबको गाली देना शुरू किया, राम को महापुरुष कहना शुरू किया, अवतार को अवतारवाद कहने लगे, गाली देने लगे, अवतार को गाली देने लगे, भगवान नहीं समथिंग। और फिर जब आजादी आई तो इनके साथ तो उसको ब्राह्मण बना के गाली देने लगे, ढोल गंवार वाले कुछ चौपाई उठा के गाली लगे देने लगे बिना संदर्भ समझे। तो तुलसी असुरों को भयाक्रांत करते हैं, यानी असुर प्रवृत्ति तुलसी से भयाक्रांत है, असुर प्रवृत्ति रामचरितमानस से भयाक्रांत है, असुर प्रवृत्ति हनुमान चालीसा से भयाक्रांत है। अब हनुमान जी तो रामायण में है, और हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं, हमारे अष्ट चिरंजीवी में हैं, पर उनकी स्तुति लोग कैसे करें, संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक तो आम जनता भाषा क्रम में। तो तुलसी ने जब उनको अकबर ने जेल में रखा तो 40 चौपाई श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर तुधार वर्णो रघुवर विमल सतु जोधा एक फलचार बुद्धि इंद्र जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या दे हुई हरम कलेश विकार। ये जो रामचरित तुलसी ने जो हनुमान चालीसा की रचना की उसने हिंदुओं को और जोड़ दिया, छोटी सी हनुमान चालीसा ने हिंदुओं को इतना जोड़ा है जितना कोई ग्रंथ नहीं जोड़ सकता। आज भी जब आप विरोध करने जाते हो मलेच्छु आदि का तो क्या हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो घर घर बच्चे बच्चे को हनुमान चालीसा याद हो गया।
तो तुलसी अकेले खड़े हैं मध्य काल से लेकर आधुनिक काल के असुर तक को तुलसी ने अकेले ही चुनौती दी। यह साहित्य और धर्म का इतिहास हमारा, इसलिए तुलसी बहुत पूजनीय है। उनको ब्राह्मण करके गाली देता है, दिलीप मंडल भी गाली देता है, मल्लच्छवादी भी गाली देते हैं, ब्रिटिशर्स भी गाली देते हैं, समथिंग समाज ये जो सब हैं ये सब भी गाली देते हैं। तो तुलसी और रामचरितमानस, और जिसको सबसे ज्यादा गाली दिया जा रहा हो, इसका मतलब उसने समाज में बहुत बड़ा काम कर दिया है। और वो इतना बड़ा काम है कि आज एक एक चौपाई आप सबको, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी, ये तुलसी के दोहे हैं। तो एक एक दोहा रामचरितमानस का लोगों के जुबान पे है, तो कोई धर्म कैसे मिटाएगा? पूरा जो नॉर्थ इंडिया था, जहां मुगल काल बहुत था, यूपी और बिहार, और आज हम लोग के गांव में देखिए, हमें राहन सुंदरकांड का पाठ, वहीं से एक सुंदरकांड का, पूरे रामचरितमानस से सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को गांव गांव चल रहा है। हमारे गांव में अभी रात में जाइए 12 बजे भी कीर्तन चलता रहेगा आपको। तो ये मिशनरी सफल नहीं हुए। तो असल में तुलसी हर असुर को भयाक्रांत करती है। वो तुलसी है, वो तुलसी है, तुलसी तुलसी को बहुत झेलना पड़ा अपने समय में भी। ब्राह्मणों ने उनका उपहास किया, उस समय काशी के ब्राह्मणों ने उनका उपहास किया, क्योंकि तुलसी और तुलसी संस्कृत में लिख रहे थे, तो बार बार लिखे और मिटा जाए, बार बार लिखे और मिटा जाए, तो कहे तुलसी की ये क्या हुआ। फिर उनको स्वप्न आया, हनुमान जी ने कहा कि आप प्रकृत अपनी भाषा में लिखो, लोकल भाषा में लिखो, क्योंकि जन जन तक वही जाएगा। तो तुलसी ने रामचरितमानस लिखे, और जब रामचरितमानस लिखे तो ब्राह्मणों ने उनकी बड़ी की कि मतलब स्थानीय भाषा में तुमने लिख दिया। आज भी होता ना, संस्कृत संस्कृत में क्यों नहीं बोल रहे संदीप जी? ये वो बीमारी तब भी थी, और तुलसी ने स्थानीय भाषा में लिखा था लोक लोक के लिए। तो जो सबने उनके ग्रंथ को नीचे रख दिए, ऊपर सब ग्रंथ, और अगले दिन देखा वो ग्रंथ ऊपर थे रामचरितमानस। फिर लोग उनको नष्ट करने के लिए, और तब तो प्रिंटिंग मशीन होता नहीं था, तो लिख के उन्होंने पूरा किया था, तो तुलसी के ग्रंथ को नष्ट करने गए, तो देखिए दो राजकुमार धनुष बाण लेके उसकी रक्षा कर रहे हैं। राजकुमार कौन? राम और लक्ष्मण। तो सुबह जब तुलसी का पता चला तो तुलसी रोने लगी कि मेरे कारण मेरे प्रभु को पीड़ा हुई है, और वो रामचरितमानस की रक्षा करनी पड़ी है। तो उन्होंने पुनः उसको फिर से लिखा, और एक कॉपी टोडरमल, जो उनके मित्र थे राजा जो अकबर के दरबार में थे, उनका तक सुरक्षित रखवाया जो है कि हमारे प्रभु को। और ये बात बिना आस्था, बिना विश्वास, आपको नहीं समझ में आएगा। जो कुतर्कीवादी सब हैं उनको नहीं समझ में आएगा। उन कुतर्कीवादियों को उनके पिता कौन है, उनकी माँ ने बताया, और माँ पे विश्वास है, इसलिए वो अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते हैं, क्योंकि माँ पे विश्वास है, उन्होंने अपने जन्म की प्रक्रिया तो देखी नहीं है। तो विश्वास सबसे प्रबल होता है। जब तक ईश्वर में, धर्म में विश्वास नहीं हो, तब तक धर्म और ईश्वर आपकी समझ नहीं आ सकते। तो ये विश्वास का की बात है, आस्था की बात है। तो तुलसी और रामचरितमानस अकेले खड़े हैं, और इस पूरे भारत को बचाने के अभियान में वो सबसे बड़ा ग्रंथ साबित हुआ। और इसलिए रामचरितमानस और तुलसी दोनों नमन योग्य। वलादिमिर कह रहे हैं, यति जी ने केवल तुलसीदास के अप्रोच पर वाजिब सवाल उठाया है, मैं नहीं मानता। कोई भी आदमी के समय हो, तुलसीदास से बड़ा कोई नहीं है, और उन पे सवाल उठाने का, आप कुछ कर लीजिए उस स्तर का, तब आप सवाल उठा सकते हो। मैं अगर मैं धर्म की बात करता हूँ, धर्म को जानता हूँ, तब मैं धर्म पे जो लोग सवाल उठाते हैं उनको मैं क्वेश्चन करता हूँ। जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगा, मैं धर्म जो लोग बोल रहे हो तो क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं। BHU में मैं पढ़ा, तंत्र को जानता हूँ, काशी के तांत्रिक स्वरूप को जानता हूँ, इसलिए मैं मोदी पे सवाल उठा रहा हूँ। जब तक आप, तुलसी का सबसे बड़ा अप्रोच क्या था? अकबर ने बुलवाया एशिया के सबसे बड़े बादशाह ने, और तुलसी ने कहा कि हम तुम्हारे दरबार नहीं आते। ये इससे बड़ा उसके मुंह पर क्या थप्पड़ होगा, उतने बड़े शासक, एशिया के सबसे बड़े शासक को मना कर दिया दरबार में नहीं आऊंगा। दरबार में नहीं आने पर ही राणा प्रताप तो नहीं जा रहे थे, इसीलिए तो अकबर पकड़ाया घूम रहा था। राणा ने अमर सिंह को भेजा, खुद नहीं गए। उस शासक को जो तुलसी को नवरत्न बनाना चाहता था, और तुलसी ने कह दिया कि तुलसी अब का होंगे नरके मनसबदार, किसी नरके दरबार में बैठूंगा। आज तो आज का नेता किसी को कह दे तो लाट टपकाते लोग दौड़ा चला जाएगा।
पर तुलसी ने उस समय मना किया, इससे बड़ा थप्पड़ उस सबसे बड़े मुगल बादशाह और एशिया के सबसे बड़े बादशाह पर, इससे बड़ा थप्पड़ क्या होगा, इससे बड़ा अप्रोच तो आज भी आइए लोग नहीं अपना सकते जो लोग इन पे सवाल उठाते हैं, इससे बड़ा अप्रोच अपना कर तो देखें।